देखो ठीक है, हो सकता है सारे आंसर रूट में आ रहे हो, तो कईयों ने रूट में छोड़ दिया, कईयों ने सॉल्व कर लिया। प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो एक प्लेन है और वो 1000 मीटर पर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। जब बॉम्ब को रिलीज किया गया, टाइम बताओ कि वो बॉम्ब कितनी देर में नीचे आया। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो। जब टॉप ऑफ दी टॉप से ऐसे प्रोजेक्शन होती है तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला याद करने हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप वाई एक्सिस में क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। तो एस इज इक्वल टू 0 + 1/2 इंटू जी की जगह अगर हम 10 पुट कर लें इंटू टी का स्क्वायर, तो पहला क्या जाएगा? टाइम। सेकेंड है वेलोसिटी जिससे कि बॉम्ब ने नीचे हिट किया, तो वेलोसिटी का मतलब यहां पे, तो क्या निकालना पड़ेगा? वी एक्स एंड वी वाई। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगी? नेट वेलोसिटी। तो वी एक्स तो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम। वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं निकाल दूं तो सेकेंड पार्ट में जो नेट वेलोसिटी होगी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स का तो पता ही है आपको 100 है, वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई के लिए वाई एक्सिस में वी वाई फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 में वी वाई की जगह वी वाई, मतलब फाइनल वेलोसिटी की जगह वी वाई, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन और टाइम 14 पॉइंट जो भी निकला है, 20 जो भी आया पुट कर दो। तो वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया, तो वी नेट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी क्लियर है। तीसरा पार्ट है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। ये डिस्टेंस ऑफ द टारगेट क्या हुआ करता है बताओ? एक्स 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 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंफ्यूजन है, बॉम्ब जहां से चला और डिस्टेंस ये भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हो सकता है, मालूम नहीं उसने क्या पूछा। अगर तो सब्जेक्टिव आया, दोनों निकाल दो, तुम्हारा जाता क्या है? तुम एक्स भी निकाल दो और पाइथागोरस से ये भी निकाल दो। तो अगर एक्स निकालना है तो एक्स एक्सिस में क्या अप्लाई करेंगे? एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, और टाइम आपको पता है, टाइम को पुट करके एक्स आ गया, सही है। और अगर ये कंफ्यूजन है कि एक्स निकालना है या ये डिस्टेंस निकालना है डी, तो डी निकाल देना, डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इसमें 1000 है और एक्स मैंने निकाल लेना आंसर। तो ये कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों निकाल देने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पहले एक्स निकाल लो आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर दोनों केस, दो केस सब्जेक्टिव में दोनों बना दो। क्या जा रहा है तुम्हारा? एक स्टेप एक्स्ट्रा ही तो है। देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसमें कॉपी किए हैं, एसएल की असाइनमेंट है और इसमें आंसर्स गलत होते हैं, कोई नई बात नहीं है, सारी किताबों के अंदर ऐसा है। अगर फोर्टीन पॉइंट वन फोर है, तुम कह रहे हो आंसर थोड़ा वेरी वेरी करके आ रहा है, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं उसमें। मैं फिर कह रहा हूँ 14.28 नॉट श्योर, किताबों के अंदर कुछ कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लो, चाहे एक्यूरेट आ जाएगा, कैलकुल जो भी आ रहा है कैलकुलेटर से चेक करके देख लो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपका आंसर कैलकुलेटर से सही आ रहा है और ये गलत आ रहा है तो प्लीज़ किताब ही गलत है, आपका कैलकुलेटर गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये मत लेके चलें कि किताब है तो बस, ये तो भगवान है तो ठीक ही होएगा, नहीं भाई, किताब इंसान ने लिखी है, इंसान गलत कर देते हैं, और जो बिजनेस करते हैं ज़्यादा वो तो पक्का ही गलत कर देते हैं, उनको तो बस फटाफट क्वेश्चन छापने हैं ताकि किताबें बिकें, तो प्रूफ रीडिंग हुई ना हुई उनको कोई फ़र्क नहीं। अद्धों को तो ये प्रॉब्लम है, जो बढ़िया ऑथर है वो 10 बार रीड करते हैं तब किताब निकालते हैं, वो इंसल्ट फील करते हैं कि यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसा होता है। अब अपने अपने वो तो कॉन्शियस है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े भाई, मेरे को एक सेंटेंस पूरा करना है प्लीज, हाँ तो एक पूरा बोलने दे, फुल स्टॉप बोलूँगा तो बोल लियो, हाथ खड़ा कर दे, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? अब पूछ। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, अब मैं आ रहा हूँ देख, अब क्योंकि सेकंड पार्ट में
सिर्फ मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर है। तो बनता तो ये है कि आप इस क्वेश्चन के अंदर जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिरेगा तो आप जब ये वेलोसिटी वी एक्स लेते हैं और यहाँ से वी वाई लेते हैं और आप वी नेट लेते हैं, तो आपको ना एंगल निकालना ही होता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये पता लग ही जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर वैल्यू पूछता है वो, डायरेक्शंस कम पूछता है वो। सब्जेक्टिव में आपको वेलोसिटी तो वेक्टर, तो आपको अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई है, तो आपको टेन ऑफ बीटा निकालना पड़ेगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी। अब प्रॉब्लम क्या है, आप वैल्यू पुट करोगे, बढ़िया बढ़िया एंगल नहीं आएंगे, 45 डिग्री 30 डिग्री, तो टेन इनवर्स में छोड़ दें, आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, आप मतलब कोई टेंशन डाल लें कि 54 डिग्री कैसे आएगा, 37, कुछ नहीं आएगा भाई। आएगा तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे ही आता है। और अगर नहीं आएगा तो बीटा इस टैन इनवर्स में छोड़ के आएंगे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं जिससे भी एंगल निकाल लें। ठीक है, ऑथर ने कैसे निकाला भाई, उसने कैलकुलेटर रखा होगा, वहां से निकाल के दिया उसने, उसको भी नहीं आता होगा, ये भी मैं बता दूं आपको, मेरे को भी नहीं आता। ठीक, कैलकुलेटर ही निकालता है। पर अब तुम कहोगे फिर ऐसे 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 एंगल क्यों देते हैं जो निकल नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वही सेम कॉपीड है, एक किताब ने छापा, दूसरा कॉपीराइट ना हो जाए, उसने वैल्यू चेंज कर दी, सोचा ही नहीं बीटा में जाके फंस जाएंगे, तो उसने कहा चल ठीक है कैलकुलेटर से बच्चा सोच जाएगा, नहीं तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं वी वाई क्या लूँ और वी एक्स क्या लूँ कि स्टूडेंट का बढ़िया आंसर आए। इतना कौन सोच रहा है, वो किताब बेचना है कि स्टूडेंट की सोच नहीं है कि एंगल 60 डिग्री देना है, वो कहते हैं 37 डिग्री भी कोई बात नहीं। ठीक, वो टीचर देखी जाएंगे, क्लासेस समझा देंगे बच्चों को, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कई लोग मैं देखता हूँ इस एंगल के चक्कर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एंगल कैसे आएंगे, छोड़ दो, देखना बंद कर दो इन एंगल्स को, मैं तो देखता ही नहीं, ऐसे ऐसे एंगल देख के तो वैसे ही घुराहट सी रहती है कि यार ये एंगल कैसे निकलेंगे, देखना ही नहीं है। अगर ऐसे उल्टे सीधे एंगल आ गए, टेन इनवर्स में छोड़ो, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको टेन इनवर्स मिलेगा। ठीक, तो क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि मेथड सही होना चाहिए बस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, इनिशियल नहीं निकली, अच्छा एक मिनट, 19 पॉइंट, अच्छा इसका भी आंसर यानी कि गलत है, अच्छा हो सकता है 19.6 कर लो भाई, दो लोग 19.6, और कोई है 19.6, अच्छा है 19.6, करेक्शन कर लो, कौन सा फिर हो सकता है, उसका भी आंसर फिर ही है कुछ, हो सकता है ये, ठीक है 19.6, ठीक है ओके डन। आप प्लीज़ एक देखो, दो चीज़ें होती हैं, ये आंसर नहीं आ रहा, मैंने इसकी करेक्शन करवा दी, किताब ने गलत है, गलत होने तो कोई बात नहीं। मेथड में कोई डाउट, मेथड पे फोकस करो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत देखो कि देखो कैलकुलेशन किताब के अंदर जो पेपर में आएगी वो ठीक आएगी, कैलकुलेशन बेकार नहीं आती, मेथड नहीं आता होगा फिर गड़बड़ है, फिर तो चाहे कैलकुलेशन आसान हो मुश्किल हो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, कॉन्सेप्ट में डाउट पूछो, इसमें आंसर कितने लोगों का आ गया, ये ठीक है क्वेश्चन, यानी कि किस में भी कुछ वेरिएशन है, कितना 20.4 आ रहा है, एक बार प्लीज और लोग कितना आ रहा है, डाउट है ओके। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक टावर से किसी इसको गिरा यू वेलोसिटी के साथ और वो नीचे ऐसे गिरा, कितने समय में गिरा, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे गिरा। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर h निकालनी है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0, तो आप y एक्सिस में h निकालना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करें h इज इक्वल टू 0 + 1/2 इंटू जी इंटू टाइम कितना है 2 स्क्वायर, जी पुट करके हाइट आ जाएगी, एक आंसर h आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, स्पीड विद विच द बॉडी वॉज थ्रोन, u निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, u निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो एक्सिस क्या चूज करना पड़ेगा, x, तो x एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू vt, s में क्या आएगा यहां पर डिस्टेंस x, तो x इज इक्वल टू u वेलोसिटी, u कांस्टेंट है पूरी जर्नी में, और टाइम t, टाइम कितना क्वेश्चन में गिवन है 2, राइट। तो अब आप u निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x। इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ये बॉल जब हिट करती है तो ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाती है, 45
5 डिग्री, तो मैंने मैंने कहा था ये 45 मत लेना, ठीक है? तो मेथड में ये 45 मत लेना, क्या कहा था? जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड के नीचे जाएगा, वी नेट, इसका एंगल 45 लेना, ये 45 डिग्री है। नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन नहीं है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट है, ऐसे है। हाँ नहीं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे जाएगा तो ये टेंजेंट होता है तब भी नहीं आएगा। देख लो फिर बताओ कैसे। ये लो अभी अभी लो अभी लो, तो हो जाती है ये। देख ले भाई देख ले, तू उसको कन्विंस ना कर, मेरे को कन्विंस कर। नहीं नहीं, मेरे से मेरे को बताना कि हाँ ऐसे 45 आएगा नहीं आएगा। देख ये, देख ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। लो मैं प्रोजेक्टाइल को एक्चुअल में गिर रहा हूँ, तो यहाँ से चली ऐसा प्रोजेक्टाइल है। देखो ये स्ट्रेट नहीं है प्लीज, ये ऐसा कर्व है। पहली बात तो कर्व का एंगल नहीं होता, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसके अंदर सपोज करो जैसे मैं कर्व और थोड़ा और इस तरीके से बना देता हूँ ऐसा। अब इसमें जब हम बोलते हैं ना, अब मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, देखो लाइन यहाँ पर ड्रॉ अ टेंजेंट, देखो ये ऐसा बनेगा, टेंजेंट स्ट्रेट बनाया मैंने, देखो अपने हाथ से नहीं बनाया, स्केल से बनाया। अब मुझे बताओ यार वर्टिकल ऑपोजिट कैसे लग रहा है आपको ये? क्या ये और ये? पहली बात तो ये एंगल कर्व के साथ बनता कहाँ है? और कोई कहता है लो ज्वाइन कर लो, लो ये लो मैंने स्ट्रेट ज्वाइन कर लिया, कैसे प्रूव करो कैसे बना वर्टिकल? नहीं बनाना एक एक करके। हाँ ये वाला और ये वाला कह रहे हो, रेड के नीचे वाला और ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन कैसे है? ये तो मुड़ रही है रिफ्लेक्शन की तरह, तो कैसे बना वर्टिकल? तो स्ट्रेट लाइन चाहिए भाई, वर्टिकली ऑपोजिट तो ये बोलते हैं ऐसे, स्ट्रेट है तो ये थीटा थीटा है, ऐसे थोड़ा ना होता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का लॉ ही गलत कर दिया आपने। आप तो कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके बाद बराबर है, स्नेल्स लॉ ये कहता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर। भाई फिजिक्स ऑप्टिक्स भी चेंज करवाओगे साथ में मैथ्स के साथ? कर्व कौन सी? ये वाली? ये नहीं, वो कह रहे हैं सीधी ड्रॉ, मैंने सीधी कर दी तो भी नहीं बना, कर्व है कर्व के साथ बन नहीं सकता, तो मुझे प्रूव करो कैसे, हो ही नहीं सकता। हम तो फालतू नहीं, पहले आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि यहाँ पर 45 और 45 वर्टिकल ऑपोजिट सेम होगा, तो आपकी डिस्कशन ही नहीं आई, खत्म। वो अपने मन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे 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 कर दे, तो ऐसे वैसे करके बनेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बात ही खत्म। तुम तो मेरे साथ ही हो ना, खत्म। तुम क्यों सोच रहे हो हम तो उनके पॉइंट को गलत कर रहे हैं, समझ आ गया? यहाँ तक नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, ठीक है ओके। तो अब ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने किया नहीं अभी ये। तो फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और इसकी हाइट क्या 19.6 मीटर है। बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हाउ लॉन्ग डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी देर में वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, समय निकालो। देखो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है 2 और 3। आपको इस बार h गिवन है, तो आप y एक्सिस में अप्लाई करें 19.6 इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, g को 9.8 पुट करके टाइम आ गया। दूसरा पार्ट, इफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, देखो इसमें तो बनता है क्योंकि उसने कहा कि लाइन ज्वाइनिंग है, देखो मेरे को लाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और जहां वो हिट करती है, उसने कहा लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ कर दी। आगे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या है? 45 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल? अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ब्लैक कलर लाइन के साथ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 19.6 है, ये 45 है, तो एक्स एक्सिस 19. ये है इसका मतलब, है ना? अगर आप कहाँ लगा रहे हो एक्स एक्सिस में, क्या लगा इक्वेशन? अच्छा ये मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू वी टी। बोलो आगे क्या पुट करना है? 19.6 टाइम टू, वेलोसिटी निकालनी है
वेलोसिटी तो निकालनी है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी, वी तो निकालनी है, तो वी निकाल लो आंसर। हाँ तो आंसर 9.8 है। अच्छा वो आप कह रहे हो कि आपका 19.8 है और ये 9.8 है, वो कह रहे गलत है। हाँ तो ठीक है 9.8 है उनकी, मैं तो तभी तो कह रहा हूँ मैं इस भाई उस मेरे को लगा यार तो तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा और कोई बोला ही नहीं, तो लेकर 19.6 होगा, वो बोला 19.6 नहीं है, तभी तो डाउट पूछ रहा है वो। तुम कन्विंस हो गए, तुम बोल देते कि नहीं सर मेरा तो ठीक आया, मैंने कौन सा सॉल्व किया है भाई, मैं तो मैथ से डिस्कस कर रहा हूँ। एक मिनट एंगल के साथ कर रहे हैं तो ठीक आ रहा है, और दूसरा मेथड कौन सा है? और अगर आप इसमें वी वाई और वी एक्स लगा कैसे सकते हो? अगर अच्छा अच्छा ओके ओके, ये रहा वी वाई, ये रहा वी एक्स। एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैं समझ गया हूं कि कहां गड़बड़ हो रही है, रुको प्लीज। ये लिया नेक्स्ट, फिर आपने ये नेट लिया, ऐसे किया ना नेट, फिर आपने ये एंगल क्या लिया, यही तो गलत लिया, यही तो कह रहा हूँ वर्टिकल ऑपरेट है ही नहीं, आपने क्यों लिया 45, वही तो डिस्कशन होकर चल रही थी, तो आपने यही तो गड़बड़ की, तभी मेरे को आंसर क्यों नहीं आ रहा 19। ये भाई अरोड़ा साहब को इतना मत बदनाम करो, एस अरोड़ा की किताब बहुत इंडिया में हिट है, इतनी भी नहीं है, गलती हो जाती है, इतनी भी नहीं होती कि यार बिल्कुल ही सरेआम ही सारा कुछ ही गलत, तुम्हें ठीक हो और वही गलत है जो किताब भेज रहा है और बिक भी रही है किताब। तो लो 45 डिग्री वर्टिकल ऑपरेट है ही नहीं, तो आपने पता क्या कर रखा है, आपने याद कर रखा है सोल्यूशन कि सर ने कहा था कि यहाँ बनता है तो उठा के बस यही बनाया करो 45, भाई नहीं बनता, उसने कहा लाइन ज्वाइनिंग पढ़ना पड़ेगा किसके साथ एंगल, अगर पत्थर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ एंगल बना रही है, अगर वो साफ कह रहे हैं भैया लाइन ज्वाइनिंग एंगल 45 है तो ये एंगल 45 है, फर्क है दोनों में। अच्छा होगा उसने दो क्वेश्चन सही पूछ लिए, नहीं तो हम सोचते कि वर्टिकली ऑपरेट के साथ ही कहानी चल रही है। समझ में आ रहा है डिफरेंस, कोई डाउट इसमें? यही तो फिजिक्स है, यही तो सीखना है छोटी छोटी बातें कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, अदरवाइज तो सारी दुनिया को आंसर याद तो है करना कैसे है, पर आंसर सबके सेम नहीं आते ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वैसे ये शीट मैंने की नहीं हुई, नहीं तो नॉर्मली मैं सारी शीट्स करता हूँ, शीट इसलिए नहीं की क्योंकि शीट दी पहली बार है, हर साल एडिशन करता हूँ ना शीट, ये नई शीट है, पुरानी शीट तो दूंगा अभी आपको होमवर्क छुट्टी के लिए, ये अभी भी जब पिछली बार क्लास लग रही तो उसको बोला था बना दे यार इस पे से, तो शीट अभी अभी बन के आई है, यहीं सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड हो गया, नेक्स्ट फोर्थ, कितने लोगों को फोर्थ में डाउट है? फोर्थ हो गया, फोर्थ ठीक है, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ बस मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये लो जी ये रही आपकी बस और ये रही इसकी विंडो, ठीक हो गया, ये रही ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। तो बस कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट करना कितना है? 50/3 किया नहीं आपने सॉल्व नहीं, मैं करता ही नहीं भाई, मैं करता ही नहीं, तुम खुद कर लेना। नहीं 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 ठीक है कोई बात नहीं, सबका अपना अपना आंसर है, तुम कर लेना भाई 50/ अच्छा चलो ठीक है, जो भी कर लेना यार, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो आयुष, ठीक है यहाँ तक निकाल लेना जितना भी है, जितना भी है भाई आगे कर लें। आगे नेक्स्ट है, जब आपने इसको ड्रॉप किया ना, एक पत्थर को ड्रॉप किया, ड्रॉप चलती हुई बस में, तो स्टोन पत्थर की वेलोसिटी भी बस जितनी ही थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो जब आपने चलती हुई बस से ड्रॉप किया तो वैसे ही है जैसे बॉम्ब ड्रॉप करते हैं किसी प्लेन में से, तो वो प्लेन की वेलोसिटी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो बस हॉरिजॉन्टल जा रही है, स्टोन भी जब तक मेरे हाथ में है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो बस की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो स्टोन की भी 60 किलोमीटर पर है, जैसे ड्रॉप किया ये बाहर निकल गया और इसकी स्पीड निकलते कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में मान लो कन्वर्ट कर लिया आपने, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या 0, बस छोड़ दो, बस निकल के अपने घर चली गई, पत्थर देखो कैसे जा रहा है, बस को मत देखना, पत्थर अब जैसे ही आगे की तरफ जाया ग्रेविटी खींच लेगी तो पत्थर कहीं यहां गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा आगे की तरफ गिरेगा। नेक्स्ट है, विंडो की हाइट आपको गिवन है, विंडो की हाइट क्या गिवन है इसमें 19.6, तो ये 19.6 है, अच्छा 1.9 सम सॉरी, तो 1.96 है, 1.96 मीटर है, एंड फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक स्टोन मूव
बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. ट्रैक का मतलब समझो ये ट्रैक है, तो क्या निकालना है एक्स, आपको एक्स निकालना है. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया. तो रूल नंबर वन, अगर एक्स निकालना है तो एक्सिस क्या लेंगे, एक्स एक्सिस. क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू बी टी. इस क्वेश्चन में एक्स निकालना है, वी गिवन है, निकाल लेना वी, और क्या चाहिए टाइम. अब टाइम वाई एक्सिस निकलेगा, तो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 1.96 इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का, तो यहां से जो भी टाइम आएगा वो यहां पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू. कैन बी कैलकुलेट, मेथड समझ में आ रहा है कैसे किया. ये देखो एक्स निकालना है आपको, तो एक्स इज इक्वल टू बी टी लगा दिया, वेलोसिटी आपको गिवन है पुट कर देना, क्या चाहिए टाइम, टाइम वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से आंसर आ गया, टाइम आ गया. मेथड क्लियर है यहां तक, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट. सिक्स में एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकेंड में, एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए. अब कई लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट ए में देखा प्रैक्टिस सेशन में यहां बना रहे थे, उसने कब बोला पॉइंट ए यहां पर है, जब वो पॉइंट ए के वर्टिकली अबव है, उसके ऊपर आया, तो पॉइंट ए कहां मिलेगा, यहां पॉइंट ए मिलेगा. ये पॉइंट ए के ऊपर ये प्लेन आ गया, उसने क्या किया बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बॉडी स्ट्राइक्स दी ग्राउंड एट पॉइंट बी. जैसे ड्रॉप करेगा तो बॉडी कहां गिरेगी, बी पे, प्रोजेक्टाइल आगे गिरेगी. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या होगी जीरो. क्या निकालना है डिस्टेंस ए बी, यानी कि एक्स निकालना है. फिर सेम क्वेश्चन, अगर एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी, वेलोसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. क्या निकालना है सिर्फ टाइम, टाइम कैसे निकलेगा फ्रॉम वाई एक्सिस, तो 1960 इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम जो भी आएगा पुट कर देना, बाकी सेम है क्वेश्चन रिपीट. देखो जब 196 या 1960 कुछ ऐसे, तो 9.8 लेनी चाहिए, वो अपने आप कट जाता है. अगर 1000 होगा तो जी 10 लेना चाहिए, जीरो से जीरो कट जाता है. ठीक, तो यहां तक क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ में डाउट. अच्छा देखो मैं क्वेश्चन पढ़ लूं. एक बैग को ड्रॉप किया पोस्ट ऑफिस फ्रॉम एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर. ठीक, जबरदस्त है यार, ऐसे भी चिट्ठियां बांटता है कोई, प्लेन आती है और बैग उठा के चला गया, आती आती है व्हाट्सएप आता है आजकल तो, ठीक है उससे भी फास्ट आता है, तो थैला उठा के गिरने की जरूरत नहीं है, पर कोरियर है चलो गिर दिया उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर, ऐसी चीजें होंगी. तो ड्रॉप कर दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ 176.4, तो ये आपके पास क्या है 176.4 मीटर अबव द रोड. हाउ फार मस्ट एरोप्लेन बी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एट अ टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बैग, ताकि वो सीधा पोस्ट ऑफिस की छत पे जाके गिरे. ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है. अब पोस्ट ऑफिस के चलता हुआ प्लेन जब, हाँ सर बोलो सर, अब बिल्डिंग की हाइट पे यार इतना ही नहीं कर सकते ना यार, छत की हाइट भी रहेंगे तो ज़्यादा फिक्स कर जाएगी यार. ले लो फिर आप कहोगे नेग्लिजिबल, ऑब्वियसली यार प्लेन की हाइट के सामने क्या पोस्ट ऑफिस है, इतने इतने दिखते हैं यार, तो इट्स अ पॉइंट मास. क्वेश्चन गलत नहीं है, इट्स अ पॉइंट मास. जब हम कहते हैं ना कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू इज इक्वल टू सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तुम ये नहीं पूछते भाई मर्सिडीज कार है कि मारुति 800 है, या ट्रक है, ट्रक की शेप की कार है, भाई कौन सी कार है, भाई मैं मास चेंज करूंगा सबका. इट्स अ पॉइंट मास. हम यहाँ पर क्योंकि फोर्स स्टडी नहीं कर रहे, जब हम फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें मास आएगा, उसमें गाड़ी का मास काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होता क्योंकि ये काइनेमेटिक्स है विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि उसकी फोर्स क्या अप्लाइड थी. सिर्फ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन पे ध्यान है, हाइट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है. समझ में आया? तो पॉइंट है, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, ले ले लेना नहीं है. तो यहां से गिरेंगे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, ताकि सीधा यहां पे आके गिरेगा.
तो क्या निकालना है आपको इसमें, एक्स सेम क्वेश्चन होगा सेम, वही एक्स इक्वल टू वी टी टाइम वाई एक्स से निकलेगा पुट करके आंसर। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कौन सी? हाँ ऐसा भी हो सकता है, सही हो सकता है। वो कह रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लेन और पोस्ट ऑफिस का ये डिस्टेंस पूछा हो तो मेंशन नहीं किया उसने, मैंने एक्स निकाल दिया। ये भी हो सकता था कि प्लेन और पोस्ट ऑफिस के बीच में दूरी क्या होगी, तो हाँ दोनों निकालने चाहिए सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में दोनों निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ही एक होगा यार, बात ही खत्म। पहले एक्स का नहीं आया तो डी का आ जाएगा, एक तो आएगा पक्का, बात ही खत्म। ऑब्जेक्टिव में टेंशन ही नहीं है, एक ही गिवन होगा, दो नहीं गिवन होंगे, पहले एक्स तो निकालना ही पड़ेगा इन एनी केस। आ गया ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो डी निकाल देंगे बात। एंगल क्यों भाई, एक्स में निकाल लूंगा एक्स इक्वल टू वी टी से, फिर डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस। नहीं लेते, नहीं लेते, सब नेगेटिवल है क्योंकि वो फोर्सेस है ना, हमने फोर्स तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, हमें तो पता ही दुनिया में फोर्स भी होती है। काइनेमेटिक्स ये मानता है कि हमें पता ही नहीं फोर्स क्या होती है। अच्छा ये बॉडी वेलोसिटी भी इक्वायर करती है कैसे, पता नहीं, बस गिवन है, नेगलिजिबल। अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अब देखो क्वेश्चन तो सेम ही बनेगा एक्चुअल में, तो कि एक एक प्लेन का पोस्ट ऑफिस से दूरी क्या है, अब दूरी में एक्स की दूरी क्या है कि सीधी दूरी क्या है। तो वैसे मैं अगर एक आंसर दूं तो मुझे लगता है कि मुझे डी निकालना चाहिए, मुझे डी निकालना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में दूरी तो यही हुई है। अगर वो एक्स पूछता उसको मेंशन करना चाहिए फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसने कुछ हॉरिजॉन्टल मेंशन नहीं किया तो मेरे हिसाब से डी निकलेगा, तो आंसर को डी तक छोड़ के आना चाहिए आपको, ठीक है? तो डी निकालना चाहिए। मतलब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो मैं क्या निकाल लूं, तो हाँ डी निकाल के आओ। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ डी का आंसर है, ओके, ये डी का ही आंसर गिवन है तो और भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है? ये एक्स का है, अंडरूट लेके किया आपने, ओके, आप डी निकाल के आना, बात ही खत्म हो गई। सब्जेक्टिव में डी निकाल देना, खत्म हो गई। डी निकालने के रास्ते में एक्स तो निकालोगे, नंबर तो ना कोई कटता आपका, बात ही खत्म हो गई यार, क्या सोचना है, ठीक। नेक्स्ट एट्थ, ओके एट्थ, देखो एट्थ क्वेश्चन के अंदर, इन बिटवीन टू हिल्स ऑफ हाइट 100 मीटर एंड 92, तो ये दो हिल्स हैं, ये 100 मीटर है और ये 92 मीटर है। देयर इज अ वैली ऑफ, ये वैली है 16 मीटर की। इफ अ व्हीकल जंप फ्रॉम फर्स्ट हिल टू द सेकेंड, या सड़क डली होगी, सीधी जंप करती है व्हीकल और यू वेलोसिटी के साथ, ताकि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो, ताकि ये वैली भी ना गिरे, बस इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाए तभी बात बन जाएगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई है। तो मेरा क्वेश्चन ये बना, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, ये 100 है या 92 है, तो ये हाइट वर्टिकल क्या कवर करेगी, सिर्फ 8 मीटर, ठीक है, और ये कितना है 16 मीटर। तो मुझे पता है कि y एक्सिस में इक्वेशन क्या लगेगी, 8 इज इक्वल टू 0 हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से सबसे पहले क्या आएगा टाइम, ठीक है, 9.8 ले, अच्छा 9 ले, और भी अच्छा कर दिया उसने फिर तो, जी अगर 9 ले तो फिर 9 ले लो, तो 9 के हिसाब से फिर टी निकाल लेना, बात खत्म। 9 का कोई सिग्निफिकेंस है खास, कुछ पता नहीं, चलो जो है टी आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको इसमें यू निकालना है, यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो एक्सिस क्या लेंगे, एक्स, तो एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस कितना है 16, वेलोसिटी कितनी है यू, टाइम हम निकाल लेंगे वाई एक्सिस से पुट करके क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, मेथड क्लियर है, ठीक। एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको सारे, एक जैसे क्वेश्चन है दिए ही जान के रट जाए आपको कॉन्सेप्ट एकदम, 9 बार लगाओगे तो मतलब ही नहीं है कि यार 10वीं बार तो लग ही जाएगा, अब तो याद ही हो गया। अब किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि कौन सी क्वेश्चन कब लगेगी, अगर अभी भी आ रहा है तो यार सारी लगा देना, एस इज यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर भी लगा देना, एस इज वी टी भी लगा देना, कहीं ना कहीं तो लैंड कर ही जाओगे तुम भी यार, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, दो ही क्वेश्चन फालतू लगा देना, आंसर तो फिर भी आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मोशन से ईजी है, उल्टा ये 2D ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे 1D से, अभी तक अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो लेवल्स हैं इसके थोड़े से, अभी लेवल इंक्रीज करेंगे, अभी तो यार बस्ते गिर रहे हैं, चलने दो, आगे चलते हैं, अभी फायरिंग होएगी अभी क्वेश्चंस की, ठीक। नाइन्थ में
बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टावर विद द वेलोसिटी ऑफ गिवन. तो ये लो, तो बॉल 4 मीटर पर सेकंड से चल पड़ी. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 0.7. ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. कितने लोगों का हो गया ये? पहले तो कर दिया आंसर आ गया सही. उसने क्वेश्चन नहीं, एंगल को छोड़ दो यार, एंगल नहीं, ये आ गया. कितने लोगों का फर्स्ट? देखो एंगल को छोड़ो, एंगल नहीं आते आपसे. आ गया फर्स्ट, कमाल की बात. पर आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को? v is equal to u plus at लगा के, हाँ gt लगा के vy आ गया. vx पता था, सही है, ठीक किया. देखो पहली बात ये कि ये बॉडी यहां से चलती है 4 मीटर पर सेकंड से, एंड वेलोसिटी आपको कब निकालनी है? जब टाइम क्या है? 0.7 सेकंड. कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? उसने कहा वाई एक्सिस की, नहीं कहा. उसने कहा एक्स एक्सिस की, नहीं, वो तो गिवन ही है. ऑब्वियसली कौन सी निकालनी है? नेट. जो वेलोसिटी है तो फिर नेट ही होगी. ठीक, नींद तो नहीं आ रही ज्यादा? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आंखें सी लाल हुई हुई है इसके ना. ठीक, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? प्रोजेक्टर सुन लिया था आपने वैसे, ये वाला पार्ट सुना था? ठीक, तो ये बताओ कि 0.7 सेकंड पे ये बॉडी कहां पे होगी? हवा में होगी. तुम ये तो नहीं कह सकते कि ग्राउंड पे होगी, तुम्हें क्या पता कहां होगी. चलो हवा में होगी. तो सपोज 0.7 सेकंड पे कहीं यहां पर होगी, कहीं पर भी होगी. ठीक है, अब अगर यहां पे होगी तो यहां पर बेसिकली क्या होगा? इसके दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगे. एक हॉरिजॉन्टल, ये रहा vx, वो तो सेम ही रहेगा, और एक वर्टिकल v ऑफ y. ठीक है, ये आगे चली जाएगी, इसको जाने दो, हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे. हम तो बस यहां की डिस्कशन कर रहे हैं कि दो, किसी भी टाइम पे दो वेलोसिटी तो होती है. हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होती, तो वो तो मैंने 4 कर ही दिया. वर्टिकल की वेलोसिटी के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0, और यहां पहुंचने में टाइम क्या है? 0.7 सेकेंड. ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू के लिए वाई एक्सिस में आप क्या इक्वेशन लगाएंगे? वाई एक्सिस में लगाएंगे v is equal to u plus at. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? vy. इनिशियल क्या है? 0. एक्सेलेरेशन क्या है? g. और टाइम क्या है? 0.7. g की वैल्यू पुट कर लेना, 10 मान लो, 10. तो v of y क्या आ जाएगा? 7 meters per second. ठीक हो गया, तो v of y कितना आ गया? 7 meters per second. ठीक है, अब आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है. नेट वेलोसिटी के लिए क्या करें? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और यहां पर ये जो प्रोजेक्टाइल पैराबोला बन रहा है ना, इसके ऊपर ड्रॉ अ टेंजेंट ऐसा. तो नेट वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर कभी गोल नहीं होते, स्ट्रेट होते हैं. तो ये नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा. बॉल का पाथ यहां होगा, पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके नेट वेलोसिटी निकलेगी. और नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ वी एक्स कितना है? 4. वी वाई कितना है? 7. एक आंसर आ गया, नेट वेलोसिटी आ गई. पर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, तो साथ में क्या मेंशन करनी पड़ेगी? डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए लेट अस सपोज ये जो एंगल है, ये वाला, दिस इज सपोज व्हाट? बीटा. बीटा तो टैन बीटा इज राइट एंगल ट्रायंगल में बनाए. तो ये अगर साइड 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 है, और ये साइड क्या है? ये 4 है. तो टैन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, 7 divided by 4. अब ये सॉल्व तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो बीटा क्या लिखूंगा? टैन इनवर्स 7/4. बस यहीं तक छोड़ना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म. पॉइंट समझ में आया यहां तक? राइट. तो आज के बाद अगर प्रोजेक्टाइल टॉप ऑफ द क्लिफ से गिरेगा, अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए. क्लियर हो गया, एक टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, ठीक हो गया. ठीक है, तो ये शीट खत्म. अब हम चलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में. तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में अपने को फॉर्मूले लगाने हैं. ध्यान आ गए आयुष, अरे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम फॉर्मूलाज लगाएंगे. फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने है, वो आपने फॉर्मूला बुकलेट जो बना रहे हो उसमें नोट किए हुए हैं, उसे साथ रखना. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो शीट करनी है वो 23 नंबर नहीं करेंगे हम, सबसे पहले शीट नंबर 24 जो आज आपको मिली है सब्जेक्टिव,
24th का क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव नहीं मिली, रुको एक आ रहा हूं पहले ट्राई बॉल ध्यान से 24 नंबर शीट 24 25। हाँ गलती है, 13 है 24 है एक्चुअली, 13 नंबर शीट नहीं है, 24 नंबर शीट है। कईयों को मिल गई होगी 24 मिली होगी। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4 को देखना है, सबसे आसान क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। किसको नहीं मिली 24 25, हाथ खड़ा करना। अच्छा सॉरी, बैच को नहीं मिली। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना प्लीज एक बार। ऑब्जेक्टिव भी नहीं मिली, ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव जाते हुए लेना, तो होमवर्क ही है, कोई बात नहीं, उधर बात देते। इधर इधर भी सौरभ, अरे ट्राई करो। देखो क्वेश्चन है, अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री। एक शेल को फायर किया जा रहा है 60 डिग्री पे टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 392। दिख रहा है डायग्राम में, ठीक। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी पता है, थीटा पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2v साइन थीटा पाई जी। आप v पुट कर देना, थीटा को 60 डिग्री, साइन 60 रूट 3/2 होता है, सॉल्व करना, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है। साथ में क्या निकालना है इसमें, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा पाई जी। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, 2 × 60 क्या हो गया, 120। साइन 120 क्वाड्रेंट में किया था, क्या होता है, रूट 3/2, इसको याद ही कर लो। cos 120 क्या होता है, -1/2, sin 120 क्या होता है, √3/2, बात ही खत्म, क्या क्वाड्रेंट देखेंगे, √3/2, पुट करो आंसर, राइट। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें नहीं करने दे रहे क्वेश्चन, इसको करना क्या है, मैंने कोई कैलकुलेशन ना चेक करवानी है आपसे, फॉर्मूला दिखा रहा हूं। आपके करने वाले क्वेश्चन तो इतने दूंगा अभी आज कि आप अगले हफ्ते ये क्वेश्चन ही करते रह जाओगे, इतने क्वेश्चन हैं, चिंता ना करो। आज एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के भेजूंगा ताकि एटलीस्ट आप ट्राई कर सको, सीधा दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आप असाइनमेंट में कर ही लेंगे, होंगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, तो ये तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वी पता है, थीटा पता है, जी पता है, आंसर। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन ने कर लिया अभी, तो प्लीज इसे होमवर्क लिखें। इस पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको करें ट्राई, 6th क्वेश्चन। पहले पार्ट में क्या निकालना है बताओ, टाइम ऑफ एसेंट। दूसरे पार्ट में मैक्सिमम
दी मैक्सिमम हाइट रीच और तीसरे पार्ट में रेंज। तो ये भी मेरे ख्याल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। 20 के साथ बॉल चली 30 डिग्री, इसे वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। तो टाइम ऑफ एसेंट में वी साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, रेंज की वैल्यू वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला में टू थीटा होता है और थीटा को क्या पुट करेंगे 30, तो सॉल्व करके साइन 60 सॉल्व करके एक आंसर। और टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ नहीं करना, 2v sin θ / g, जो आंसर टाइम ऑफ एसेंट का आया था उसको डबल कर देंगे। क्लियर है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। घर में होमवर्क लिखो ऐसे भी, ये मतलब यहाँ कैलकुलेशन चेक नहीं, घर में आराम से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, नहीं पेन तो हाथ लगा, 45 आएगा ही नहीं, सेवंथ। अच्छा चल वही वाला है, ऐसे बोल ले तो आंसर देख 45 डिग्री नहीं आएगा, प्रूव हो जाएगा तो गलत है। डिस्कशन कम काम ज्यादा, बातें ही बातें हैं, फिर घर चलें। जब तुमने प्रोजेक्टर की गेम ही नहीं खेलनी तो करके आए हैं क्लास में बैठ के, धूप पड़ रही है इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं, घर बैठ के एसी में बैठते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, प्रोजेक्टाइल की गेम तो खेल, फुटबॉल को मारेगा तो सही कि घर लेके बैठ जाएगा, कहेगा भाई 0-0 है सब कुछ यार, पैराबोला तो बनाना पड़ेगा, वैसे स्पेशल केस बनता है, फिर तो सब सेम है, फिर तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो टी भी जीरो सब कुछ 0-0-0 यही क्वेश्चन नहीं आता, बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बोलो क्या निकालना है, थीटा, जब बॉडी की रेंज और हाइट मैक्सिमम सेम हो जाए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, भाई 90 नहीं पुट करना थीटा, मैक्सिमम हाइट क्या होती है अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे गया तो, ये मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, बीच वाली मिड पॉइंट वाली वो मैक्सिमम हाइट है, एच एम राइट, ना तो क्लियर है। और रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज है, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। तो उसने कहा रेंज और हाइट इक्वेट कर दो, मैंने इक्वेट कर दी, आगे तनवीर। तो रेंज का फॉर्मूला में साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जी से जी वैसे ही कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, साइन टू थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बचेगा, साइन और साइन भी कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, टैन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज टैन इनवर्स 4, एंगल तो निकलेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, टैन इनवर्स 4 याद रखना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के अंदर मिलेंगे आपको, जो होमवर्क दूंगा उस सब आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या क्या ऐसे कैसे करना है इसमें, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देना आंसर, ठीक। एक्सपेक्ट ना करना इस चैप्टर में कि अच्छे अच्छे एंगल आएंगे, 60 डिग्री पे ऐसा होता है, 45 पे होता है, भाई टैन इनवर्स 4 पे होता है ऐसा, ठीक। नेक्स्ट ये हमने होमवर्क टू टॉल बिल्डिंग वाला क्वेश्चन में किया था, पत्थर फेंकना एक विंडो से दूसरे विंडो में, होमवर्क सेम है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। ये भी होमवर्क 9th, और देखो ये प्लेन वाले क्वेश्चन सब होमवर्क हैं क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर ये कर सकते हैं, ये रहा 10th क्वेश्चन नंबर 10th, एम आएगा मजल, निकलते ही गोली निकलते ही जो वेलोसिटी एक्वायर करते हो मजल स्पीड बोलते हैं। अब किसी को अगर गोली मारनी है तो क्या मतलब तुम फिजिक्स लगाओगे, अब मैंने गोली चलाऊंगा यू इज इक्वल टू 0 फिर गोली चलेगी 1 2 3 4 5 वेलोसिटी एक्सेलरेशन, भाई ऐसे नहीं चलती गोली, गोली 100 की स्पीड से चलती है, गोली 500 की स्पीड से चलेगी, स्प्रिंग है उसके अंदर, जब चलता है तो सीधी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती ही नहीं है, मतलब निकलते वेलोसिटी 500 को एयर कर लेगी, वो मसल स्पीड है, ठीक।
नहीं तो लोग भाग नहीं जाएंगे, गोली इज यूज इक्वल टू जीरो, चली वन चली, अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, तू एक्सलेट कर, मैं साइड पे हो जाता हूँ। बोलो, ढूंढना क्या है? ओके, मान लो क्वेश्चन है, देखो, बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। तो किसी ने गोली चलाई और वो 3 किलोमीटर दूर जाके गिरी, किसी एंगल पे चला दी होगी, थीटा एंगल पे, मुझे पता नहीं, जो भी है, 3 किलोमीटर क्या है उस बॉडी की रेंज, तो ग्राउंड का डिस्टेंस 3 किलोमीटर रेंज है, तो रेंज पहले केस में 3 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं उसी गोली को चलाना है, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, उसने चेंज करने को बोला ही नहीं। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैं उस गोली का अगर एंगल चेंज करूं चलाने का, पहला एंगल क्या था पता नहीं, पर अगर मैं दूसरे केस में एंगल चेंज करूं, क्या मैं उसे 5 किलोमीटर दूर हिट कर सकता हूं ऑब्जेक्ट को, हाँ या ना? 1 मिनट, हाँ या ना? आपने कैसे आंसर यस बोला? अब 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ऐसा हो सकता है आपको लगता है, रेंज मैक्सिम होती है, ठीक है, ओके, मैं लॉजिक समझ गया। आप ही मुझे कहने की कोशिश कर रहे हो कि उस बंदे को ये सलाह दो कि 45 डिग्री पे चला के देख ले गोली, अगर तो वो गोली 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाके गिरी, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, फिर तो एंगल एडजस्ट करके वो 5 तक भी हिट कर देगा, जैसे कंट्री मिसाइल टेस्ट करता है, रेंज 3000 किलोमीटर है, तो यार क्या तुम्हें लगता है 3000 पे ही दुश्मन होगा तब जाके वो चलेगी? नहीं भाई, वो 2500 भी मार सकती है, वो 2000 पे भी, 1500 पे भी, 1000 पे भी, उस रेंज में एंगल एडजस्ट करके कहीं भी हिट कर सकती है। हाँ, मैक्सिमम दूरी उसकी 3000 है, तो इसमें मैक्सिमम दूरी क्या चाहता है वो, जितनी मर्जी हो 5 किलोमीटर को हिट कर सकता है, तो 5 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज नहीं है। आप मैक्सिमम रेंज निकाल लेंगे, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए एंगल क्या पुट करेंगे, 45। अगर मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर से ऊपर आ गई फिर तो आप हिट कर सकते हो उसे, और अगर नहीं आई, 4.5 किलोमीटर आ गई, फिर आप कभी उसको हिट नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है लॉजिक क्या है? तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। पहले केस में बुलेट को 30 डिग्री पे हिट किया, गिवन है, और रेंज कितनी है, 3 किलोमीटर का, 3000 मीटर, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज की वैल्यू 3000 है, वी स्क्वायर है, जी है साइन ऑफ 2 थीटा, में थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 60√3/2, वी मुझे पता नहीं, तो यहां से मैंने वी स्क्वायर और जी की रेशियो निकाल ली है आगे। क्या पहला स्टेप क्लियर है? बोलो, ऐसा कैसे एंगल आ गया आपका? आप पहले केस में पहले वी तो निकालोगे ना यार, वी तो सेम होगा ना दोनों केस में, तो तुम किस वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो तुमने खुद अज्यूम कर लिया वी सेम रखो, तो पहले मैंने पहले केस में एक तरीके से क्या निकाल दिया, वी, अब जी को 10 पुट करके निकाल लो ना, वी निकाल लो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने वी स्क्वायर जी निकाल दिया, बताता हूँ क्यों। क्या फर्स्ट केस क्लियर है? दूसरा बोलो भाई, ओ, एक जीरो मिस होगी मुझसे, यहाँ जीरो कर लेना, मर्जी है मेरी, यूनिट्स में तो चैलेंज नहीं कर सकते यार, मेरी मर्जी, मैं मीटर में करना चाहता हूँ, कि जी तुम किलोमीटर में लोगे फिर साथ में। ओ अच्छा, ओ सॉरी, 3 किलोमीटर है, अच्छा, 3000 है, 3000 है, अच्छा जी की वैल्यू, ओके ओके, मेरे को लगा मैंने जी यहाँ पुट कर दिया होगा, अच्छा ठीक है, तो जी मैंने यहाँ पुट नहीं किया, तो जी हो से कैलकुलेशन का टाइम में सोचा मैंने जी मल्टी, तो जी मैंने नहीं किया, यहाँ तक क्लियर है, पहला केस क्लियर है। अब एक काम करते हैं, रेंज को क्या रखना है, मैक्सिमम। द सेकेंड केस में देखते हैं वो कितनी दूर जाके गिरती है, तो मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल क्या होगा, 45, और मैक्सिमम रेंज होती क्या है, वी स्क्वायर बाई जी, फॉर्मूला किया था, चेक कर लो फॉर्मूला। एक काम करो, वी स्क्वायर बाई जी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या आ रहा है, 3464, बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला था, हाँ सर हिट होगी, क्यों नहीं होगी भाई, क्यों कहते हैं एंगल 45 रख लो, और किसी ने कहा एक काम करो जी, अमेरिका में मिसाइल हिट करनी है, क्या करें, आपने कहा, आप जैसे स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने कहा एंगल 45 कर दो, भाई 45 एंगल पे तुम चांद पे बैठे बंदे को मार दोगे, क्योंकि एंगल 45 है, तो मैक्सिमम दूरी पे जाएगी, और मैक्सिमम दूरी की लिमिट भी तो होगी कोई, तो तुम सोच रहे थे कि 45 डिग्री करेंगे ना तो टारगेट हिट हो जाएगा, शायद पहले वाला बंदा 45 पे हिट नहीं कर रहा था, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है, 5 किलोमीटर से कम, तो आप आंसर देंगे नो, आप उसको कभी भी हिट नहीं कर पाएंगे। हिट करने के लिए अब आपको वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज, फिर हिट कर पाएंगे।
ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो है दोस्त यार, एयर हटा दोगे तो यार अर्थ हटाओ, एयर थोड़ा हटानी है, अर्थ हटानी है भाई, एयर अच्छा ओके, एयर इस दुनिया से हटा दो, यानी कि अब मैं अगर गोली चलाऊंगा तो वो उड़ती जाएगी। वो वैक्यूम और ग्रेविटी फ्री होने में फर्क होता है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है हवा निकाल दो, ग्रेविटी का मतलब अर्थ निकाल दो। बिना हवा के ये पेन नीचे ही गिरेगा, हवा में भी ये नीचे ही गिरेगा, अर्थ पे जाए तो वही अर्थ को हटाओ, स्पेस में चले जाओ आराम से, अर्थ उर्थ कुछ नहीं चाहिए। तो स्पेस में भी ग्रेविटी है, हाँ तो मैं तो कुछ कह नहीं रहा, तुम ये कह रहे हो बिना हवा के थोड़ी दूर जाएगी, तो पहले केस में जब 30 डिग्री था तब कौन सी हवा ली थी, उसमें भी तो नहीं ली थी। तो या ऐसा है, एयर किसी भी न्यूमेरिकल में लेने तो एयर को मत बुलाओ। अच्छा अगर एयर है भी तो कितना फर्क पड़ जाएगा एयर से, ये तो बता दो, एयर से कितना, चलो एक एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, तुम्हें क्या लगता है कि 2 किलोमीटर तक फर्क पड़ जाएगा? नहीं भाई, इतना भी कोई एयर की वो रहेगी नहीं। अच्छा अगर रहेगी भी तो दोनों में एयर है, दोनों में नहीं है, तो फर्क क्या है? केस तो दोनों में सेम है ना। या तो प्रॉब्लम ये बोलो कि सर पहले में आपने हवा ली थी, दोनों हवा नहीं ली, तो हम हवा की बात नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि हवा का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स, फोर्स चैप्टर हमने नहीं किया। आपको कि हमने तो 9th-10th में किया था, तुमने तो मोशन भी किया था, तुम तो कैलकुलस भी किया था, नहीं किया था। अब जब तुम फोर्स अब करोगे ना, आंखें खुल जाएंगी, तुम बिलीव मी ये मानने पे मजबूर हो जाओगे कि हमने कुछ नहीं किया 9th-10th में, इतनी जबरदस्त फोर्स है। एक महीना चलेगी फोर्स, तो सोचो एक महीना कोई बंदा कितना बोल सकता है फोर्स के ऊपर, इतनी बड़ी फोर्स है बस। तो तुम उस फोर्स को बीच में मत लेके आओ, उलझ जाओगे। हर क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन, उस चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन मेंशन करेगा टेक एयर फ्रिक्शन, और अगर नहीं बोलता डोंट टेक एयर फ्रिक्शन, ऐसे होता है उस चैप्टर में। फिर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, बेस बनाने में 3 महीने लगते हैं, क्वेश्चन यही रहेंगे फिर से, लेकिन एयर फ्रिक्शन लेनी है या नहीं लेनी, अब ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यही गोली चलेगी पानी में, पानी की फ्रिक्शन स्टडी करेंगे, पानी की फ्रिक्शन लेनी है या नहीं लेनी, अपसेस लेना है या नहीं लेना, ऐसे फिजिक्स का बेस बनता है, राइट। अभी कुछ नहीं लेना, ओके। नेक्स्ट होमवर्क, 11th होमवर्क है, ये सेम नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आप करें क्वेश्चन नंबर, ये करें 6th क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 6th हो गया। आप करें ये, एक और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये वाला थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। यार बात करना बंद करोगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, अगर उसने कुछ बोला नहीं तो सेम है, नहीं तो बोलता V1 V2।
ओके, शेल इज फायर्ड, अब बॉल इज, चलो जो भी है इस क्वेश्चन में. अच्छा ये क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा. तो ये डायग्राम क्लियर है, थीटा 90 माइनस थीटा दो केस हैं. एंड क्या गिवन है, वेलोसिटी 39.2, 39.2 क्लियर है. पहली बॉल ने अगर मैक्सिमम हाइट अटेन की h, तो वो कह रहा है कि जो सेकेंड बॉल है रीच इज 50 मीटर हायर देन दी फर्स्ट बॉल. तो सेकेंड केस में जो हाइट है वो फर्स्ट बॉल से 50 मीटर ज्यादा है. राइट, क्लियर है यहां तक? तो दो डायग्राम्स क्लियर है, ठीक है. तो ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है. दूसरे केस में मैक्सिमम हाइट है कितनी, h प्लस 50, फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g. ये भी क्लियर है यहां तक? तो यहां पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. तो साइन स्क्वायर है तो यहां पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर. क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इंडिविजुअल हाइट निकालनी है, h निकालना है. h आ गया तो 50 ऐड करके h पर 50 भी आ जाएगा. तो ये आपके पास ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गया. ध्यान से कैलकुलेशन में देखो, एक में आ रहा है साइन स्क्वायर, एक में आ रहा है कॉस स्क्वायर. अगर ये ऐड हो जाए तो कम से कम ये तो गायब होके क्या हो जाएगा, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें. तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड h है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड h प्लस 50 है. इसको और इसको ऐड करेंगे, 39.2 का स्क्वायर और 2g कॉमन आ गया, तो क्या बना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1. तो यहां पर 1 आ गया. तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, h आ गया. तो एक हाइट अगर इतनी है तो दूसरी हाइट क्या है, इसमें 50 ऐड कर दो, आंसर है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जी की वैल्यू इसमें 10 ले लो, इसमें तो मेंशन है तो 10 भी ले लो, कोई बात नहीं चलेगी. हाँ हाँ, तुम इक्वेशन 1 और 2 को जैसे मर्जी सॉल्व करो, आपकी मर्जी है. मेरे को ऐड करना ठीक लगा, आप इक्वेट कर दो. ये वाला उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहा, 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कर दिया. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सीलिंग वाला क्वेश्चन है. अब देखो मुझे एक चीज का आंसर दो इसमें. बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई. ठीक है, एक छत है ये 25 मीटर हाई है, ठीक हो गया. अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. उसने क्या पूछा, मैक्सिमम रेंज. बोलो एंगल क्या रखे, 45. सबने 45 रखी, आंसर नहीं आया ना, नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा. आपको ऐसा क्यों, क्यों जब मैंने कहा कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम, इसमें नहीं आएगा क्यों?
टच कर जाएगी। इसने क्या किया, एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी की, जैसे नॉर्मली जितने डेरिवेशंस की उसमें छत तो थी नहीं हवा में, जहां मर्जी बॉल को फेंको 45 डिग्री पे ऐसे गिरती थी। वो कह रहे जी अब छत लो है थोड़ी, 25 मीटर पे ही है। तुमने सोचो 45 पे अपना वो रेगुलर फॉर्मूला लगाया, 45 डिग्री बॉल गई टक्कर हाथ में नीचे, आगे कैसे जाएगी। अब आपको थोड़ी चालाकी दिखानी है, क्या आपको ऐसे फेंकना है बॉल को ताकि सीलिंग के ऑलमोस्ट, जैसे अगर सीलिंग की हाइट क्या है 25 मीटर, 24.9999999 करते करते नीचे आ जाए, इसको टच ना करें बस ऐसे एंगल पे। अब वो 45 डिग्री होगा पता नहीं, यानी कि बंद कमरे के अंदर एंगल 45 डिग्री पे आंसर आएगा ये तो कोई गारंटी नहीं भाई। हाँ ओपन में तो आएगा, अगर ये ओपन छत ना होती तो आंसर 45 डिग्री पे पक्का सही था। छत है उसने कहा टक्कर भी नहीं होनी चाहिए छत के सीलिंग के साथ, तो अपने को एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। आप ब्लाइंडली इस क्वेश्चन में 45 डिग्री नहीं पुट कर सकते एंगल, कोई डाउट इसमें कैसे। तो मैक्सिमम दूरी कैसे गिरी, मेरे पैर पे गिर गई, रेंज मैक्स, भाई रेंज मैक्स बोला उसने, कोई नहीं ठीक है ओके। अब ध्यान से सुनो, अब इस केस में आपको क्या करना है, इसमें सीलिंग ऑफ दी, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, ये सीलिंग है 25 मीटर की, मैं बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे गिरेगी ताकि हाइट, अब मैं 24.999 तो नहीं बोलूंगा ना, अप्रोक्सीमेट क्या ले लूंगा 25, इसको हल्का सा मतलब 25 मीटर साथ ही वापस आई, यानी कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए 25, ये 25 होना चाहिए इसमें, तब बनेगी बात, कोई डाउट इसमें ठीक। अब एंगल इसमें चेंज हो सकता है थीटा, 45 जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो एंगल मैंने थीटा ले लिया, उसने यही तो पूछा एंगल क्या लें, तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और रेंज की मतलब थीटा तो नहीं पूछा, रेंज पूछा उसने, रेंज क्या होगी इसमें। एक काम करते हैं, पहले केस नंबर वन बनाते हैं। हाइट पता लगी मुझे 25 है, तो हाइट का फॉर्मूला लगाया 25 = v² sin² θ/2g, तो यहां से सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके क्या निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा से थीटा साइन इनवर्स, और क्वेश्चन में साइन इनवर्स देना चाहिए था पूरा गिवन, साइन इनवर्स मैंने इसको देना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ 0.55 की वैल्यू 33.6 डिग्री, तो मैंने थीटा वहां से चेक करके क्या लिख दिया 33.6 डिग्री। क्या पहला आंसर क्लियर है, यानी कि बंद रूम में अगर रेंज मैक्सिमम करनी है तो थीटा को 45 नहीं, थीटा को क्या लिखना पड़ेगा 33.6 डिग्री। अब कह रहे रेंज निकालो, अब रेंज में थीटा क्या पुट करें, रेंज का फॉर्मूला लगाओ v² sin² θ/g, थीटा 45 डिग्री पे आंसर तो आएगा नहीं, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 33.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 2 × 33.6 की वैल्यू स्ट्रेट वे गिवन है 0.921, गिवन होना चाहिए, गिवन कर दिया मैंने, तो इसमें डायरेक्टली पुट कर लेना 0.9 समथिंग आंसर आएगा। लॉजिक इसमें यह है कि अगर ओपन टू स्काई है फिर तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज है, पर अगर ओपन नहीं है फिर हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप क्या कैसे लगाओगे फॉर्मूला, क्या करोगे बताओ। देखो हाँ ये कह सकते हो कि ये इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू ऐसी निकाल सकता था, है ना, थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं, सही कह रहे हो, साइन थीटा मेरे पास है, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं इसे ओपन करके लिख लूँगा 2 sin θ cos θ, साइन थीटा एज इट इज है, cos थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से मैं निकाल लूँगा आंसर आ जाएगा, सही बोल रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक ठीक। क्वेश्चन नंबर अब वन थोड़ा कन्फ्यूज करता है पर फिर भी ईजी है, क्वेश्चन नंबर वन देखना।
क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. क्या गिवन है? मैक्सिमम रेंज. उसने कहा मैक्सिमम, तो थीटा क्या रहा होगा? 45. सही है. तो अगला क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं. जो पहली टर्म गिवन है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 100. जी को यहां पर 10 पुट कर लेना. सॉल्व करके क्या निकाल लिया आपने? वी. वी आ गया आपके पास. ठीक, वी आ गया. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच हायर. पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, वहां से वी चाहिए, वी आ गया. कह रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी. अब आपको क्या करना है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल. इस ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की जा सकती है इसी वेलोसिटी पे, ये बताओ. अब उसने ये नहीं कहा कि बॉल को ऐसे ही फेंकना है, क्योंकि ऐसे फेंकते हो तो रेंज मैक्स हो सकती है. उसने कहा रेंज मैक्सिमम नाउ मेरी तरफ से बॉल हाथ में आ जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हाइट मैक्स चाहिए. तो कितने एंगल पर फेंके? 90, 45 तो रेंज मैक्स है, तो इस बार 90 पे फेंको, यानी कि बिल्कुल ऊपर फेंको, सारी फोर्स ऊपर लगाओ, एनर्जी ऊपर लगाओ, वेलोसिटी ऊपर लगाओ, रेंज चाहे कोई चक्कर नहीं. उसने कहा हाइट सबसे ज्यादा चाहिए. तो हाइट सबसे ज्यादा कब आएगी? जब बॉल को कैसे फेंकेंगे? बिल्कुल ऊपर. तो यानी कि थीटा क्या पुट करेंगे? 90. तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लो, मैक्सिमम हाइट में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g में थीटा को 90 पुट कर लो, या ऐसे कर लो, वेलोसिटी तो यही है सेम. अगर सीधा ऊपर फेंकेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. और काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 2 इनटू माइनस इनटू h h 50 मीटर. अच्छा, रेंज मैक्स कितनी है इसमें? 100. v square is equal to 1000 आना चाहिए ऐसे, और v की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ऐसे. अच्छा, और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो g क्या है? 10. ठीक है, एक ही बात है भाई, मैं नहीं पुट करता g की वैल्यू. भाई g को g रहने दो, बाद में कर दूंगा पुट. जितनी कम कैलकुलेशन शुरू में करनी पड़े उतना ही अच्छा है भाई, एंड में पुट कर लेना. क्या पता जी से जी कैंसिल ही हो जाए कहीं, काम कहीं जी के साथ पंगे लेते रहोगे, फायदा क्या उसका? बोलो. तो उसने कहा ही नहीं मोशन कैसे मर्जी, कहते जैसे मर्जी. यार गेम है, तुम्हें ग्राउंड पर बुला लिया, तुम्हें का बॉल गेम ये है कि हाई जंप होनी चाहिए, लॉन्ग जंप की गेम ही नहीं है. तो तुम हाई करोगे जंप, तुम ऐसे क्यों गिरोगे? तुम्हारी मर्जी है. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? ओके, राइट. एक काम करना है आपने, एक तो आपकी जो शीट है, ये शीट प्रोजेक्टाइल, सब्जेक्टिव शीट नंबर, आज हमने कौन सी की? 24. 25 मैंने होमवर्क दी थी पहले, 25 आपका होमवर्क ही है वो, क्योंकि अभी आज हमने कुछ प्रैक्टिस किया तो आपको आइडिया होगा, थोड़ा और भी टाइम चाहिए आपको. 25 शीट नंबर 25 के बाद 24. अच्छा नहीं नहीं रुको रुको, 22 से शुरू करते हैं. 22 हो गई, 23 शीट में लास्ट टाइम दी थी आपको, राइट. 23rd शीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के हैं, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है. ये आपने सारी शीट ट्राई करनी है, ठीक है. मैं भी इसे सॉल्व करके गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, तो आप एटलीस्ट, आज नहीं करूँगा कल डाल दूंगा, कल या परसों तक, मंडे तक डाल दूंगा. तो आप जब छुट्टियों में होमवर्क करोगे तो एटलीस्ट आपके पास चेक करने के लिए होगा. मैं चेक करके पूरे इसको सॉल्व करके डालूंगा. एक जब वापस आओगे 1 वीक के बाद तो मैं इसके डाउट्स भी लूँगा, बट एटलीस्ट आपकी सपोर्ट के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन रुके ना, आप ये कर सकते हो. ये आपका पहला होमवर्क है, ठीक. नेक्स्ट, शीट नंबर 23 के बाद शीट नंबर 24. शीट नंबर 24 में जो अभी मैंने क्वेश्चंस आपको भी करवाए वो तो आपने कर ही लिए, ठीक है, लेकिन आप पूरी शीट इसको ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. ये दूसरा होमवर्क. दो, नेक्स्ट
शीट नंबर 24 के बाद शीट नंबर 25 शीट का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है बाकी शीट से। तो मेरी तरफ से ये ऑप्शनल है, आप कर सकें बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा मैथ्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन तो इसमें से करवा ही दूंगा, पर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं शीट नंबर 25, लेकिन ये एंड में करना, सबसे एंड में करना, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शीट, ऑब्जेक्टिव शीट में ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 और 11 ये भी आपने ट्राई करनी है। इसमें 8-10 क्वेश्चन नहीं होंगे आउट ऑफ थोड़े टॉपिक अभी किए नहीं हमने, बट फिर भी मैक्सिमम होंगे। इनमें से पहले क्वेश्चन से प्लीज स्टार्ट हो, अभी अभी के अभी फटाफट से स्टार्ट हो जाएं, फटाफट 5-7 क्वेश्चन तो अभी अभी करें, इन्होंने बहुत अभी टाइम लिया मेरा, तो अब बैठ बैठ जा, तूने पानी भी पिया, इसने बहुत सारी चीज़ें भी खराब की, तुमने बातें भी की, मैंने जो टारगेट सोच का है मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरे को पूरा करने दो, अब आराम से बैठो, बैग रखनी चाहिए, आराम से कर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट सॉल्व करो ऐसे। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी है, 10, ऑब्जेक्टिव शीट 10। मैंने बात करने को थोड़ी ना कहा यार, फटाफट क्वेश्चन करने, 1-2 सेम है तो मैं कह रहा हूँ आगे करो, 5-7 क्वेश्चन बनिए, नहीं कहा मेरी वेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, जब आपके 7-8 क्वेश्चन हो जाएं तो मुझे बताएं कि मेरे हो गए, आगे चलते जाएं। धीरेन करो फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है, तो क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो डी बोला आपने, बी बोला, ठीक है, यूज कर साइंस का थीटा पाई, ये क्या है, सेम है, ओके। नेक्स्ट आंसर डी, टैन इनवर्स 4 आज हमने किया। नेक्स्ट, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इट्स एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज, नहीं मतलब मैंने पत्थर को फेंका, पत्थर टॉप पे गया, पत्थर से पूछा भाई तेरे को क्या दिख रहा है, पत्थर कहता है मेरे को लग रहा है अर्थ गायब हो गई यहां से, मेरे को कोई नहीं खींच रहा, ऐसे है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड जी रहेगी रहेगी, अर्थ तो खींच ही रही है भाई, तो वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की जीरो हुई है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुई, समझ में आया, एक्सेलरेशन जब तक तुम अर्थ के चपेटे में हो ना तुम्हें अर्थ नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें खींच के छोड़ेगी जी, हमेशा अर्थ के एटमोस्फेयर, अर्थ के पुल में जी जीरो कभी नहीं हो सकता। वी कॉस थीटा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्टली डाउनवर्ड, और वैल्यू पूछेगा तो जी। नेक्स्ट, स्टोन इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ यू मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, 45। मैक्स बिल्कुल ठीक, एरोप्लेन मूविंग वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वो ये एरोप्लेन से बॉम्ब गिरे मैं बोर हो चुका हूं, बस होमवर्क है। नेक्स्ट है ये वाला 7th, बस ठीक है, टाइम ओवर, इतना टाइम था, हो गया, चाहिए नहीं पूरा क्वेश्चन, मेरे में नहीं इतना पढ़ा भाई, रेंज रिमेन सेम व्हेन एंगल इज थीटा और 90 माइनस थीटा, तो अगर 60 डिग्री पे रेंज 90 मीटर है तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 डिग्री, ऑप्शन क्या ढूंढ रहे हो, आंसर रिमेन्स सेम, 90 मीटर रहेगा, रेंज सेम रहती है भाई, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट, रुक जा, तूने इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे मुझसे, कोई बात नहीं। 8th, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 90, इफ अ प्रोजेक्टर इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, बस आप मुझे ना 9th क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 9th, हाँ हाँ कर दो, अगर तूने कर दिया, हाँ छुट्टी ले, तूने कर दिया,
क्लास ने नहीं कहा कर ले दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करेंगे। एक ही क्वेश्चन बॉल पे, एक ही क्वेश्चन कैच करने वाले पे, हिंट दे रहा हूं, दोनों चीजें अलग हैं। सोचो, दिमाग लगाओ, फिजिक्स दिमाग लगाने का ही गेम है। एक्स पे एस इक्वल टू बीटी, बंदा भी एक्स पे भाग रहा है, तो उस मैन के लिए एस इक्वल टू बीटी। यस, और 60 डिग्री और कोई ए के साथ जाना चाहता है? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, देखो 60 सही है, ठीक है। देखो, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट एट एन एंगल ऑफ थीटा, क्लियर है? बॉल अपना ट्रैक ये फॉलो करेगी, क्लियर है? रेंज इसकी क्या रहेगी, आर, क्लियर है? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, क्लियर है? कोई डाउट? यहीं पे जैसी बॉल को किसी ने किक किया, उसी टाइम एक प्लेयर खड़ा था, उसने भागना शुरू कर दिया। वो भाग के इसे कैच करेगा या नहीं करेगा ये बताओ, और अगर करेगा तो बताओ इस एंगल को क्या रखें, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कि ये इसे कैच कर ले, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ कि बॉल यहां से यहां पहुंचती है, प्लेयर यहां से यहां पहुंचता है, दोनों में क्या चीज सेम है? रेंज। बॉल ने हॉरिजॉन्टल दूरी कवर की, आर। मैन ने भी, प्लेयर ने भी हॉरिजॉन्टल दूरी कवर की, आर। पहली चीज सेम, दूसरी एक और चीज सेम है, बोलो क्या? ओके, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर चाहिए नहीं, मैन उड़ नहीं रहा ना, ग्राउंड पे भाग रहा है, उसको जी नहीं चाहिए। टाइम, बिल्कुल सही, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने समय में बॉल यहां से यहां आती है, कैपिटल टी, उतने समय में ये प्लेयर यहां से यहां जाता है, कैपिटल टी, दोनों का सेम। कोई डाउट इसमें? एक और चीज सेम दोनों में, बोलो क्या? एक और जो गेम चेंज कर देगी, और एक मिनट में आंसर आएगा। वेलोसिटी कौन सी? वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी वी नॉट बाई टू है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है भाई, ये मोशन नहीं है भाई, इनिशियल फाइनल से क्या करोगे? इसकी इनिशियल क्या और फाइनल क्या? ये तो बेचारा वी नॉट बाई टू से भागे जा रहा है, ये कौन सा मान जाएगा रुक रहा है? ये तो कैच करता करता वी नॉट बाई टू से भाग जाएगा, इसे रुकना ही नहीं है ना। मैन का थीटा कैसे हो गया? दोनों में क्या चीज सेम है ताकि कैच करते? प्लेयर, और प्लेयर तो टॉप पे जा ही नहीं रहा ना, प्लेयर भाग रहा है, बॉल ऐसे जा रही है, वेलोसिटी कौन सी सेम होगी दोनों की ये कैच कर ले बंदा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तो ये चैप्टर नहीं है दोस्त, ये कौन सी मोशन पढ़ रहे हो यार, या कौन सी कोई डीएक्स बाई डीटी चल रहा है? नेट वेलोसिटी मतलब एक बंदा भाग रहा है एक्स एक्सिस में, बॉल जा रही है एक्स वाई में, दोनों की वेलोसिटी कैसे सेम हो सकती है भाई? एक्सिस तो सेम करो दोनों के, v cos थीटा एंड इसको किसका इक्वेट करूं, ये किसके इक्वल होगा? v नॉट बाई टू। ओके, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम होगी तभी कैच करेगा। तुमने ऊपर हाइट कितनी अटेन की, तुम्हें क्या लेना देना ऊपर गई नहीं गई, तुम्हें मतलब प्लेयर को मतलब है अपने एक्स एक्सिस से। तो अगर जिस स्पीड पे एक्स एक्सिस पे बॉल जा रही है उसी स्पीड पे मैन भी चल पड़े तो कैच कर लेगा। अगर एक्स की स्पीड बॉल की ज्यादा हो गई, मैन आराम से भाग रहा है, तो कैसे कैच करेगा? दोनों की एक्स की स्पीड तो कम से कम सेम होनी चाहिए। तो यानी कि इस बॉल की एक्स की स्पीड क्या है? वी नॉट कॉस थीटा, और मैन की क्या है? मैन की वी नॉट बाय टू। इन्हें को इक्वेट कर दो, आगे देखने की जरूरत क्या है, इक्वेट करके देखें तो वी नॉट इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाय टू, कॉस थीटा हाफ है, थीटा क्या है 60 डिग्री, आंसर आ गया। कुछ करना कहा था इसमें, खत्म हो गया था।
सारे ऑप्शन दे रहे हैं वो नो लिख दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मैं तुम्हें कैच करके दिखा दूंगा। ओके आगे आगे बाद में जाते हुए, यहाँ तक क्लियर है? अब होमवर्क सुन लो, वो सब्जेक्टिव होमवर्क है आपका, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव शीट आपकी होमवर्क है। ऑब्जेक्टिव शीट आपको टफ लग सकती है पर जैसे भी आप ट्राई कर लेना, जितने हो सकते हैं ट्राई कर लो, बाकी तो हमें करना ही है, ठीक है। ये गूगल ड्राइव में मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको हेल्प की तरह पे सुन सकते हो। इसकी डिस्कशन की वीडियो मैं जो है लास्ट ईयर की आईडी सबके पास है, नहीं है तो व्हाट्सएप करके प्लीज़ बनवा लेना, इसका डिस्कशन आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से डिस्कशन देख सकते हैं। छुट्टियों में आगे की फोर्स कर सकते हैं इन शीट्स के बाद, ये सारी शीट्स की डिस्कशन लास्ट ईयर की आईडी में मिलेगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहले ट्राई करने के बाद, ट्राई करने के बाद आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन शीट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डिस्कशन देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप काम करना बंद भी कर सकते हैं, किताबें उठा के फेंक भी सकते हैं, घूम घूम के पागल हो सकते हैं, जो मर्जी करें, लेकिन मेरी सजेशन है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, इसको ब्रेक ना करें। सजेशन दे रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ रिलैक्स करना चाहिए, है ना, खुश हो गए सारे कि छुट्टी है तो छुट्टी की तरह लेना चाहिए, लेकिन इतनी भी रिलैक्सेशन ना हो जाए कि बंदा सारा कुछ भूल के आ जाए कि सर प्रोजेक्टाइल पढ़ाना जरा फिर से क्या होता है, ये ना करें, राइट। सुनो, प्रोजेक्टाइल की शीट्स, ये शीट और अगली ऑब्जेक्टिव शीट, प्रोजेक्टाइल कोशिश करें वीडियो से सब खत्म कर दें, ये शीट्स भी खत्म कर दें, और प्लीज़ अगर हो सके फोर्स भी कर दें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे आने वाले टाइम में, बेस बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा, बहुत फ़ायदे में रहेंगे, राइट। ठीक, बोलो, टेस्ट किसका है, व्हाट्सएप पे बताऊंगा टेस्ट किसका है, ऑनलाइन हो सकता है प्रोजेक्टाइल का, ऑफलाइन अगर हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, वैसे हो सकता है ऑफलाइन, नहीं ऑफलाइन होगा क्योंकि इसकी थ्योरी तो कम से कम मुझे देनी पड़ेगी, प्लस टू का भी है ना इस बार, तो टेस्ट तो होगा, टेस्ट होगा प्रोजेक्टाइल का ही होगा, जितना मैंने आज तक करवाया बस उतना ही होगा, बस जितना मैंने, हाँ ओनली प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, अभी हुई नहीं ना, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, व्हाट्सएप पे डालूंगा, दे देना जब आना, मैसेज करके आना। क्या अर्णव,